नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए, आज माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में जुटे सभी धर्मों के प्रतिनिधि सद्भावना के मंच से एकता का आह्वान। ज्ञानोदय से स्वर्णिम युग की स्थापना पर मंथन। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर सांसद, महापौर, उपमहापौर और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का हुआ सम्मान। कहा, अध्यात्म और राजयोग से ही बदलेगा समाज। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह ने गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का किया अवलोकन। बीके फाल्गुनी ने आध्यात्मिक रहस्यों से कराया अवगत। हरियाणा में रेवाड़ी के ललिता मेमोरियल हॉस्पिटल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ विषय पर संगोष्ठी। विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने किया शुभारंभ। बीके भगवान ने आध्यात्मिक क्रांति की बताई आवश्यकता। नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र पर दिव्य गुण श्रेष्ठ श्रृंगार विषय पर चर्चा। बीके उर्मिला ने आत्मिक गुणों को ही निखारने का बताया वास्तविक श्रृंगार। और नैरोबी के अफ्रीका रिट्रीट सेंटर में गुजरातियों के लिए छठवीं इंटरनेशनल रिट्रीट। कई देशों से 53 लोग हुए शामिल। 7 दिनों तक कई विषयों पर मंथन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। ब्रह्माकुमारी संस्थान के मुख्यालय में धर्माचार्यों के लिए वैश्विक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम युग विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ ऊषा माता मिशन के महामंडलेश्वर श्री 1008 आचार्य महादेव जी महाराज, हरिद्वार से रामेश्वर आश्रम के महामंडलेश्वर श्री 1008 आचार्य रामेश्वर आनंद जी, आनंद कृष्णा धाम के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर आनंद चैतन्य जी, जोधपुर से महामंडलेश्वर शिव स्वरूपानंद, अयोध्या से अखिल भारतीय अखाड़ा राघव से श्री 1008 महामंडलेश्वर लालदास त्यागी जी, बिहार के राजगीर से डॉक्टर साध्वी सोम प्रज्ञा जी, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जहाँ भी राधे राधे रानी, जहाँ भी राधे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया सांवरिया, कन्हैया ले चल पर लीला, कन्हैया ले चल पर लीला, ओ सांवरिया ले। शुभारंभ के पश्चात बीके मनोरमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में ज्ञान की भरमार होने के बावजूद भी आज व्यक्ति स्वयं की वास्तविक पहचान से महरूम। लोगों को उनकी वास्तविक पहचान कराना और उनके अंदर की असीमित शक्तियों को जागृत करने के लिए उन्हें प्रेरित करना ही संस्थान का असली मकसद है। वहीं बीके रामनाथ ने कहा कि आज व्यक्ति में ज्ञान बहुत है, लेकिन शक्ति और शांति की कमी है। उसी शक्ति और शांति को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम इस भारत को नहीं, संपूर्ण विश्व को स्वर्णिम युग में बदल सकते हैं। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपूर्ण लक्ष्य है कि हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी बन जाए। जो इसकी पूर्व आइडेंटिटी थी, जो इसका पूर्व परिचय था, देवतुल्य, वही देवत्व पुनः हमारे अंदर आ जाए। न हम किसी के इम्प्रेशन में आए, पहले हम इम्प्रेशन में आते, फिर डिप्रेशन में आते, फिर रिप्रेशन में आते हैं, और उसके बाद रिग्रेशन शुरू हो जाता है। आज जिंदगी जो भटकाव की ओर मुड़ गई है, उसका कारण खुद को देखने में कमी है, इस खुदाई को देखने में खो जाते हैं। तो खुद को देखें, खुदा को देखें। जो ज्ञान हमने बहुत समय से समझा है, सुना है, उसका ऐसे स्थान पर बैठकर हम उसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि आज दुनिया को ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सारी दुनिया क्या चाहती है? शक्ति चाहती है। तो वो शक्ति कौन देंगे? परमपिता परमात्मा भी सारे मनुष्य आत्माओं को शक्ति देना चाहता है, लेकिन वो निराकार है। सम्मेलन में धर्माचार्यों ने अपने अनुभव में कहा कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी, उसकी एक झलक हमें यहाँ देखने को मिली है, और मुझे विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारीज का एकता और भाईचारे का संदेश पूरे विश्व में फैलकर भारत को पुनः स्वर्णिम युग बनाएगा। विदेशों में, कई देशों में जाता हूँ, लोग प्रश्न करते हैं, परंतु मुझे आज ऐसा लगता है कि मैंने सुना था आज कई आपके विद्यालय के कई वर्गों में, कई क्षेत्रों में आज मैंने भ्रमण किया, मुझे ऐसा लगा कि आज भी कहीं ना कहीं प्राचीन भारत
कहीं ना कहीं भारत प्राचीन संस्कृति, कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्म कुमारी मिशनों में, कहीं ना कहीं आज भी एक सरोवर की तरह उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ऐसा लगता है, इसलिए मैंने कहा इस ज्ञान दया सिंधु, कहीं ना कहीं वो ज्ञान का सरोवर यहाँ बनकर, कहीं ना कहीं उस सरोवर में हम सब डुबकी लगाने के लिए यहाँ आहूत हुए हैं। निश्चित ही सार्थक तो जाएगा कि ये ब्रह्म कुमारी मिशन उसी प्रकार का एक ऐसा मिशन है पूरी दुनिया को शांति का और ज्ञान का जो जो जलाना चाहता है और जला रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी अंदर की उस चक्षु को खोलकर, चक्षुर्देव वही तम पुरस्ता शुक्रमुच्चर तपस्या में श्रद्धा, अंदर से उस चक्षु को खोलकर उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए समाज में भी दें और अपने आप में उतारते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ज्ञान दय द्वारा स्वर्णिक युग का स्थापन होगा। कि हम बहुत सी संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन आज इस संस्था में आकर के हमने जो शांति का आनंद लिया और आपका जो एकता का हमने वातावरण देखा, वो एक विलक्षण ही देखा है। और मैं इस एकता की बात को, इस शांति की बात को जहां जाऊंगा वहां चर्चा करूंगा। उद्घाटन सत्र के समापन पर बीके मनोरमा ने सभी अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया व ईश्वरी सौगात भी भेंट की। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर माइंड पावर सेमिनार और शहर के प्रतिष्ठित लोगों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रंजन भट्ट, महापौर डॉक्टर जिगीशा सेठ, उपमहापौर डॉक्टर जीवराज चौहान, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष सतीश पटेल, नेता केतन ब्रह्म भट्ट, अल्पेश लिम्बाचिया मौजूद थे। सम्मेलन में दिल्ली से आए बीके कबीर मुख्य वक्ता थे। उन्होंने सभी को मन में छिपी अनंत शक्तियों से अवगत कराया, साथ ही राजयोग द्वारा उसे उजागर करने का आह्वान भी किया। देखें खुद का प्रकाश, अब देखेंगे आसमान से एक ज्योति नीचे उतर रही है, टिमटिमाती हुई, प्रकाश फैलाती हुई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, इस हॉल में प्रवेश किया, अनेक ज्योतियां इस हॉल के अंदर हैं। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा और मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान किया। मौके पर रंजन भट्ट, डॉक्टर जिगीशा सेठ, डॉक्टर जीवराज चौहान ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। અને મને જે ઉર્જા મળે છે, કદાચ બહુ ઓછા રાજકારણી હશે જેને આવી ઉર્જા મળતી હશે, હું મારી જાતને નસીબદાર માનું છું એવા અરુણાનીતિ રાજનીતિ પણ એવા જ છે જે ખૂબ પ્રેમભાવ આપે છે અને સમાજ જીવનને કેટલાય પરિવારોને સુધારવાનું કામ કર્યું છે। આ સંસ્થા અને એની પ્રવૃત્તિ વિશે તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આત્માને, પોતાના આત્માની ખોજ આત્મામાં કરીને અને આજના સ્ટ્રેસફુલ જીવનથી કેવી રીતે મનની શાંતિ મળે એ આપણને શીખવે છે। પરમ તત્વને પામવા માટે અનેક વર્ષોથી બ્રહ્મા કુમારી કેન્દ્રમાં આવું છું, રાજકારણમાં આટલે સુધી પહોંચવા માટે, સફળતા મેળવવા માટે, અનેક વર્ષો સુધી સંગઠનમાં કામ કરવા માટે જ્યાંથી શક્તિ મળી છે એ બ્રહ્મા કુમારી કેન્દ્ર છે। यूपी सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह ने गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का अपनी सुपुत्री के साथ अवलोकन किया, जिन्हें राजयोग शिक्षिका बीके फाल्गुनी ने म्यूजियम का अवलोकन कराने के साथ साथ अध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों से भी अवगत कराया। हरियाणा में रेवाड़ी के ललिता मेमोरियल हॉस्पिटल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, माउंट आबू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान, डॉक्टर सीमा मित्तल, समाज सेविका अनामिका, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके राम सिंह आदि ने दीप जलाकर किया। विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा
कि बेटी बचाओ के साथ बेटे को संस्कारित करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह काम माँ बाप का है और उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। वही बीके भगवान ने वर्तमान समय परिवार में आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता बताई। नेपाल में व्यवहार शुद्धि, कर्म गति और अपराध मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन नेपालगंज के जिला जेल में किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए बीके भगवान ने कैदियों से बीती बातों को भूल आगे बढ़ने की सलाह दी और अपने बुरे व्यवहार और संस्कार को बदल समाज में वापस आने का संदेश भी दिया। इस मौके पर पुलिस सहायक निरीक्षक सुरेंद्र बुढ़ाथो, जेलर तेज बहादुर ने कैदियों से सुनी हुई बातों को अमल में लाने की बात कहते हुए राजयोग शिक्षिका बी के गीता, जिन्होंने जेल से निकलने के बाद सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने का आह्वान किया, उनका और बी के भगवान का आभार माना। इसके साथ ही कैदियों ने भी बी के सदस्यों को सप्ताह में एक बार जेल में आकर अपने अनमोल व्याख्यान देने का आग्रह भी किया। नेपालगंज के ही जय बागेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता बीके भगवान ने एजुकेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए गलत संगत, सिनेमा, टीवी, व्यसन आदि से दूर रहने की बात कही। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके मूना, बीके कृष्णा व प्राचार्य विद्यमान राज भंडारी आदि उपस्थित रहे। वहीं सेवा केंद्र पर आयोजित राष्ट्रीय शांति के लिए साधना कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बंदलाल वैश्य, स्नेह होटल के मैनेजर प्रेम बहादुर भंडारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा और बीके भगवान ने सकारात्मक सोच का महत्व बताया तथा राजयोग द्वारा शांति स्थापित करने पर जोर दिया। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यदि व्यक्ति के आंतरिक गुण और शक्तियां कायम रहें व चेहरे की मुस्कान बन जाएं, तो सही मायनों में यही वास्तविक श्रृंगार है। ऐसा कहना था ज्ञानमित पत्रिका के सह संपादिका बीके उर्मिला का, जो माउंट आबू से विशेष रूप से मुंबई के वाशी सेवा केंद्र पर पधारी थी और दिव्य गुण श्रेष्ठ श्रृंगार विषय पर संबोधित कर रही थी। श्रृंगार वो होता है कि व्यक्ति को कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, हलचल आ जाए, लेकिन फिर भी उसकी आंतरिक गुणवत्ता भी बनी रहे, उसके चेहरे की मुस्कान भी बनी रहे, परिस्थिति उसे और अधिक ब्यूटीफुल बना दे, वो असली ब्यूटी। इसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने अवगुणों को कचरे की संज्ञा देते हुए उसे छोड़ने की बात कही तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने अपने दिल के उद्गार रखे। हर कोई अपने अवगुणों को छोड़ने के लिए तैयार है, उसको मन में है कि ये अवगुण मैं निकालूं, तो जो फेंकने वाली चीज है उसको हमें उठाना है। देखो कचरे की, कोई अगर हमारे दरवाजे में कचरा डालता तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो किसी का भी कचरा उठाना अर्थात किसी के अवगुणों को देखना। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, आप सब लोग इतने प्यार से जो बोलते हैं ना, मैं कहती हूँ कि उनके मुंह में से रियली फूल झड़ते हैं। और जो लिखा है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो, सिर्फ हम लोग इस पे ही अगर हम लोग ध्यान देना तो उसमें से ही हमारा जीवन बहुत निखर के आता। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीके उर्मिला, बीके शीला समेत इंडियन क्रिकेट टीम के फिजिकल फिटनेस के डॉक्टर रमेश माने, डॉक्टर अलका चड्डा, सिंगर कृष्णा गांगुली व डॉक्टर रतन राठौड़ ने दीप जलाकर किया। इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च पर सेमिनार और मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन लखनऊ में इंदिरा नगर के ICCMRT ऑडिटोरियम में किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस रिट्रीट का लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर SP सिंह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बलराज चौहान, ICCMRT के डायरेक्टर राजीव यादव, ब्रह्म कुमारीज में सोशल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके माधुरी, दिल्ली में स्पार्क विंग की जोन कोऑर्डिनेटर बीके सरोज, फैकल्टी बीके एकता और मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर अदिति सिंघल ने कैंडल लाइटनिंग कर इसका उद्घाटन किया। संगोष्ठी में सभा को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था पूरे विश्व में हर एक वर्ग के लोगों की सेवा कर रही है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। वहीं बीके सदस्यों ने जीवन में श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत बताई। दिन प्रतिदिन संसार में बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए ये जरूरी है कि सभी आत्म व परमात्म चिंतन से स्वयं को सशक्त बनाएं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में राजयोग कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद ने
इस तरह के आयोजन का लक्ष्य बताया और कार्यक्रम की सराहना करते हुए माताओं की महिमा भी की। माताएं निश्चय बुद्धि होती हैं, धारणाओं में पक्की रहती हैं, दृढ़ता का संस्कार होता है माताओं में, विश्वास होता है, इसलिए माताओं की बहुत विशेषताएं हैं। तो ऐसी भट्टी में आने में तो अच्छा रहेगा ना। बाकी भट्टी का लक्ष्य क्या है वो तो आप सब जानते हो। बाबा ने इशारा दिया है कि बच्चे अभी समय बहुत कम है, समाप्ति वर्ष बाबा ने कहा। समय को बाबा बता रहा है कि बच्चे जो भी करना है सो अब कर लो। आगे बीके अमृतचंद, चंडीगढ़ के सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, माउंट आबू से आए बीके ओमकारचंद ने सभी को हर परिस्थिति में स्वयं को शक्तिशाली बनाने की युक्ति बताई। मेरा जो रोल बाबा आपने दिया है बाबा, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है। मैं दुनिया की करोड़ों आत्माओं से अच्छी हूँ। आपने कोटों में कोई में से कोई मुझे सेलेक्ट किया है स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। बाबा इससे अच्छा भाग्य और क्या होगा। हीरे तुल्य जीवन में हम कितना अपने आप को हीरा बना चुके हैं। हमारा जीवन हीरे की तरह बना कि अभी भी कौड़ियों की तरह ही है। कितना उसमें बदलाव आया वो देखना है। ये जो जीवन की यात्रा है, ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, इसका हमें आनंद लेना है, एंजॉय करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के कलावती, जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के मुथुमणि समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों के निदेशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कई दिनों तक चले इस राजयोग कार्यक्रम का पूरा लाभ बड़ी संख्या में आए हुए युवाओं और माताओं ने लिया। मातृत्व की जिम्मेदारी अद्भुत है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए एक माँ को खान पान, विचार और व्यवहार, इन सभी का बखूबी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य तथा व्यवहार पर निश्चित तौर पर पड़ता ही है। और इस बात को नील क्लिनिक की संचालिका बीके डॉक्टर शुभदा नील, जो खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वे अच्छे से जानती हैं। इसलिए वे अक्सर गर्भवती महिलाओं के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के प्राप्ति जागरूक रहती हैं। और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास भी करती हैं, जिसकी अगली कड़ी में साउथ गोवा के एनडी नाइक हॉल मडगांव में अद्भुत मातृत्व फोक्सी इरीज इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायनेक सोसाइटी, महिला बाल कल्याण अधिकारी और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महिला बाल कल्याण अधिकारी दीपाली नाइक, गायनेक सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक लवंदे, बीके डॉक्टर शुभदा नील, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश, गोवा के पणजी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, बीके सुरेखा व अन्य विशिष्ट महिलाओं ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर डॉक्टर शुभदा नील ने सात्विक आहार व मेडिटेशन, प्रैक्टिकल योगा आदि विषयों पर मार्गदर्शित किया और बीके ईवी गिरीश ने क्रोध और तनाव पर जीत कैसे पाई जाए इसकी युक्ति बताई। इस कार्यक्रम का लाभ लगभग 400 लोगों ने लिया। पंजाब के पठानकोट में पंजाब केसरी के मुख्य संपादक विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी संदेश चोपड़ा की स्मृति में मेडिकल कैंप लगाया गया। सिविल अस्पताल के SMO की अध्यक्षता में कई चिकित्सकों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए उनके सेहत की संभाल के बारे में बताया तथा निशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस मौके पर नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक अमित विज ने रिबन काट कर किया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल विज, अकाली दल के जिला अध्यक्ष हरदेव सिंह लवली, बीजेपी के पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल व शहर के कई गणमान्य लोगों ने किया और समाज के लोगों में नशे से मुक्त होने के इस प्रयास की सराहना की। इस प्रदर्शनी से काफी संख्या में बच्चे व्यसनों से होने वाले नुकसान से भी अवगत हुए।
भुवनेश्वर के गति कृष्णा लगून द्वारा बीजेबी नगर में आध्यात्मिक स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग पर चर्चा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न बन सकते हैं। वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने कहा कि शांति और खुशी का आधार है स्वयं की पहचान तथा ईश्वर से बुद्धि का योग, जिससे हम अपनों को सदा शांत और शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं। अंत में सभी को सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन के लिए 3 दिवसीय कोर्स सीखने के लिए आमंत्रित किया गया। वर्तमान समय तनाव भरी जिंदगी में अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, चिंता व तनाव फिर परछाई की तरह साथ हो लेता है। राजकोट में साधु वासवानी रोड पर नीलकमल पार्क के पास रहने वाले उद्योगपति बलवीर सिंह बापू ने तनाव से मुक्ति पाने के लिए घर को ही मंदिर जैसा बना दिया। उन्होंने घर का नाम रखा है भाग्य विधाता भवन, जिसमें एक मेडिटेशन रूम बनाया गया है। इस भवन का उद्घाटन करने पहुंची राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू। नागालैंड के कोहिमा में JNV स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने सभी फैकल्टी मेंबर्स को स्वीकार करने, क्षमा करने और कुछ अच्छे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात को सदा अपने मन में रखने पर जोर दिया। साथ ही राज्यों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। इस कार्यशाला में प्राचार्य समेत 22 लोगों ने लाभ लिया। छत्तीसगढ़ में कोरबा के जमनीपाली उप सेवा केंद्र पर NTPC अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण होने के कारण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में NTPC के सहायक प्रबंधक HS सार्दली, CSR के प्रबंधक सुमित सोनी, AGM राजकुमार समेत कई अभियंता उपस्थित रहे। इस दौरान CSR के प्रबंधक सुमित सोनी, जो समय समय पर संस्थान के कार्यों में सहयोग देते रहते हैं, वह काफी समय से संपर्क में थे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उन्हें भी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी ने शॉल एवं गिफ्ट भेंट कर भावभीनी विदाई दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। नैरोबी के अफ्रीका रिट्रीट सेंटर में गुजरातियों के लिए 6वीं इंटरनेशनल रिट्रीट आयोजित हुई, जिसमें दोहा, दुबई, मस्कट, न्यूजीलैंड, युगांडा और भारत के अहमदाबाद, पुणे तथा माउंट आबू से 53 लोग शामिल हुए, जिनका स्वागत बुके, शॉल और पारंपरिक गीतों के माध्यम से किया गया। रिट्रीट के शुभारंभ का नजारा ऐसा था मानो पूरा हॉल एक लेबोरेटरी में तब्दील हो गया हो, जिसमें सभी डीप साइलेंस में जाकर अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों के साथ नए नए प्रयोग कर रहे हो। इसके बाद बीइंग इंट्रोवर्ट और सेल्फ क्लीनिंग जैसे विषयों पर अफ्रीका की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती ने चर्चा की। वही पूज्य स्वरूप, देव स्वरूप और संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास भी किया। अगले दिन न्यूजीलैंड की बीके भावना ने अप्रिशिएटिंग द सेल्फ, नैरोबी के बीके प्रतिभा ने अप्रिशिएटिंग द ड्रामा विषय पर प्रकाश डाला, तो प्रसिद्ध उद्योगपति बीके निजार जुम्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने और उससे उनकी जीवन शैली में आए बदलावों को सभी के साथ साझा किया। वही अंतिम दिन रोमांच के लिए मसाई मारा के जंगलों में पिकनिक भी मनाई गयी। मंगोलिया में उलान बतौर के सेंटिस एजुकेशनल सर्विसेज में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ऑस्ट्रेलिया के निदेशक बीके चार्ली के पहुंचने पर स्टाफ और टीचर्स के लिए वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें बीके चार्ली ने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कहा कि अगर हमें दूसरों के दिल में सम्मान व प्यार चाहिए तो हमें उनके सकारात्मक गुणों को ही देखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों से हमारे वाइब्रेशन बनती हैं और शब्दों से ज्यादा व्यक्ति पर वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम में स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके मीरा भी मौजूद रहीं। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।